ओके तो कल आदिपुरुष मूवी का ट्रेलर रिलीज हो गया था ना, उसके रिगार्डिंग मेरा जो भी अर्ली रिएक्शन था वो मैंने इस वीडियो के अंदर बता दिया था, जो कि तुम ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। बट क्योंकि वो एक अर्ली रिएक्शन था, हम लोग इन डेप्थ बात नहीं कर पाए थे, तो अब थोड़ा ब्रॉडर एंड डिटेल वे के अंदर इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे आदिपुरुष मूवी के ट्रेलर के ड्रॉबैक एंड सम पॉजिटिव्स आल्सो। जिसमें सबसे पहला पॉइंट आ जाता है इसके टीजर के अंदर दिखाई गई कमियां, जो कि इन्होंने ट्रेलर के अंदर एलिमिनेट करी, यानी कि पूरी की पूरी वानर सेना जो हमें पूरे ट्रेलर के अंदर कंटीन्यूअसली दिखाई तो जाती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एज अ बैकग्राउंड आर्टिस्ट के तौर पे। एक्चुअली आर्टिस्ट भी नहीं बोलेंगे, वो एक तरीके के प्रॉप्स हैं जिन्हें कंप्यूटर जनरेटेड इमेज के द्वारा डाला गया है, आसान शब्दों में सीजीआई के थ्रू उन सबको डाला गया है, लेकिन उन सारी चीजों के ऊपर हमारा फोकस इतना ज्यादा जाता नहीं है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल इस वाले शॉट को देखो, इसके पीछे पूरी पूरी सेना दिख रही है, लेकिन हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेन तीन कैरेक्टर्स के ऊपर रह रहा है। और अगर बात करी जाए इस वाले शॉट की, तो इसके अंदर पूरा पूरा जो लैंडस्केप है वो ही काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, जिसके चक्कर में हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड के ऊपर जा रहा है। इसलिए मैंने कल वाली वीडियो के टाइटल में लिखा था कि क्या मस्त काटा है, जो कि इन्होंने एक्चुअली में करा है। क्योंकि अगर तुम इन चीजों को एकदम सरफेस लेवल के ऊपर भी देखोगे तो भी तुम समझ जाओगे कि आखिर इसके अंदर क्या कमियां देखने को मिल रही हैं, जिसमें मेजरली ये सारे के सारे शॉट्स आते हैं जो कि अभी तुम स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, एंड इनके अंदर भी जो कमियां हैं वो अभी तक तो दिख रही हैं, लेकिन आगे चल के एलिमिनेट करी जा सकती हैं। जैसे पहले टीजर के अंदर हमें जो ये वाला शॉट दिखाया गया था, तुम्हें क्या लगता है इस चीज को करेक्ट नहीं करा गया होगा? डेफिनेटली करा गया होगा, जिससे एक चीज का हमें रियलाइजेशन होता है कि इन्होंने काफी जगह पे वीएफएक्स इंप्रूव करने की जगह कलर ग्रेडिंग के अंदर डिफरेंस करा है, चीजों को और ज्यादा डार्क कर दिया है, जिससे जब वो तुम्हें दिखेंगे नहीं तो तुम आगे उसे जज भी नहीं कर पाओगे। अब आ जाता है दूसरा सबसे बड़ा इशू, जो कि है लैंडस्केप, यानी कि ये सारी की सारी चीजों को लार्ज दिखाना चाह रहे थे कि तुम भाई फोकस के अंदर देख लो कि क्या क्या चीजें हमने बनाई हैं। बट उसी के चक्कर में ये लोग बहुत बड़ा ब्लंडर कर बैठे, जैसे कि ये वाले शॉट के अंदर जब हमें पूरा पूरा वाइट एंगल के अंदर सारी की सारी चीजें दिखाई जाती हैं, तो ये काफी ज्यादा एम्प्टी एम्प्टी सा लगता है। एंड प्लस अगर ध्यान दोगे तो लाइट उस डायरेक्शन से आ रही है, लेकिन यहाँ पे कोई भी शेडोज हमें देखने को नहीं मिल रही। एंड जैसा हमारे कीवा की भाई ने बोला कि ये तो छोटी मोटी नीटपिकिंग वाली बात हो गई, लेकिन अगर मेजर बात करी जाए तो वो इन सारे शॉट्स के अंदर देखने को मिल रही है, जो कि अगेन हम कह सकते हैं कि हेल्पफुल रहते हैं, क्या पता सही हो जाए। बाकी बैकलैश को कम करने के लिए जो इन्होंने रावण के सीन नहीं दिखाए थे, वो एक काफी ही ज्यादा बोल्ड एंड काफी ही ज्यादा बढ़िया डिसीजन था, मतलब पिछली वाले की तरह इसका मीम बनने से कोई भी नहीं रोक सकता था। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके अंदर का कन्विक्शन, हाँ ये भी इन्होंने हमें समझाया है, लेकिन अब मैं थोड़ा डिटेल के अंदर इस बारे में बात करना चाहता हूँ कि किस तरीके से कन्विक्शन का इस्तेमाल करा गया। इन्हें कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन तुम ट्रिपल आर की ये वाले शॉट्स देखो एंड फिर तुम इनके द्वारा दिखाए गए शॉट से इसे कंपेयर करके देखो, एंड तुम्हें जमीन आसमान का अंतर ना दिख जाए तो बताना। लाइक इसके अंदर कितनी ज्यादा सिंपलिस्टिक लुक के साथ उन सारी चीजों को दिखा दिया गया है, एंड काफी ज्यादा बढ़िया गूज़बम्प वाली फीलिंग आ जाती है। एंड इसके अंदर भी हमें थोड़ी बहुत फीलिंग आ जाती है, लेकिन उसका पूरा का पूरा क्रेडिट जो है वो जाता है बैकग्राउंड म्यूजिक को, जिसे देने का काम भी तो देखो किसने करा है, अजय अतुल ने, जो कि ऑलरेडी वेल नोन कंपोजर्स हैं जिन्होंने काफी सारी बढ़िया मूवीज के अंदर अपना म्यूजिक दे रखा है। बाकी इसका ट्रेलर जो है वो इसके टीजर के कंपैरिजन में ऑब्वियसली बेटर था, लेकिन और ज्यादा अच्छा हो सकता था। एंड एक ट्रेलर काटना किसी भी प्रोडक्शन हाउस के लिए कोई ज्यादा बड़ी बात है भी नहीं, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने चीजों को दिखाना कम एंड छुपाना ज्यादा था, एंड वही उन्होंने एकदम अच्छे तरीके से करा है। बाकी मूवी के अंदर ये कमियां देखने को मिलेंगी या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। बट टिल देन गुड बाय, टाटा सी यू, बाय।